नमस्कार, मैं कमल नयन आप सभी का लोकबात में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता के नाम एक संबोधन करके ऐसा आह्वान किया है कि आगामी 5 अप्रैल को दिन रविवार को रात 9 बजे से 9 मिनट के लिए घर की सारी लाइटों को बंद करने हैं और घर में जो भी है, दिया है, दीपक है, लैंप है, कुछ भी हो उससे ही जलाना है, घर को उन्हीं रोशनी के उपकरणों से रोशन करना है, लेकिन घर में बिजली के उपकरण को बंद रखने हैं, जैसे लाइट्स को ऑफ करने हैं। अब इनके प्रति नरेंद्र मोदी का शायद ये मानना रहा हो, शायद सरकार का ये मानना रहा हो कि एक पॉजिटिव एनर्जी कैसे निकले जो कि लड़े कोरोना से, जो कि आपसी भाईचारा को बढ़ाए, जो कि सारी चीज़ों को, मतलब आपसी संगठन के माहौल को कैसे मजबूत किया जाए उसके ऊपर बल दे। लेकिन विपक्ष और देश के तमाम विपक्षी नेताओं का विवाद भी है कि आखिर नरेंद्र मोदी जब जब आ रहे हैं लाइव या जब जब ऐसी चीज़ों में आ रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि नरेंद्र मोदी कोई समाधान नहीं बता रहे हैं, एक कोई ऐसे ही नुस्खा बता रहे हैं। एक तो हम लोग देश के तमाम जनता से जानना चाहेंगे कि क्या ये सच में कोई ऐसे ही नुस्खा है या ऐसे ही बिना मतलब की बातें हैं या इनके पीछे कोई कारण भी है। तो हमारे लोकबात के संवाददाता पूरे देश भर में जो फैले हैं वो काफ़ी लोगों से बात किए हैं। तो हमारे पास जो रिपोर्ट आई है वो बिहार के मोतिहारी से आई है, आगरा से आई है, दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी से आई है, दिल्ली के न्यू अशोक नगर एरिया से आई है, मध्य प्रदेश के चंबल इलाके से आई है, बिहार से आई है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आई है। तो आइए सभी से जोड़ते हैं आप लोगों को और जानते हैं कि वहाँ के आम जनता क्या मानते हैं ये नरेंद्र मोदी के आह्वान को और वो इस चीज़ को कितना फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आपको लिए चलता हूँ पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर एरिया से हमारी संवाददाता प्रेरणा आनंद क्या बता रही हैं और किन लोगों से जुड़ी हैं, आइए उनसे जोड़ते हैं। नमस्कार, मैं प्रेरणा आनंद स्वागत करती हूँ आपका लोक बात में। इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ वो पूर्वी दिल्ली का न्यू अशोक नगर इलाका है। देश इस समय बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहा है जहाँ हमारे कोरोना वॉरियर 2400 घंटे लोगों की मदद करने में जुटे हुए हैं। तो नरेंद्र मोदी भी कोई भी मौका नहीं छोड़ते उनको सम्मानित करने के लिए। जैसे उन्होंने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था वैसे ही वो रविवार को आज के संबोधन में उन्होंने बताया कि 5 अप्रैल यानी रविवार के दिन सभी लोग रात्रि 9 बजे अपने घर की बालकनी में आए और उनके पास जो भी उपलब्ध हो, अपने घरों की लाइट बुझाकर जो भी उनके पास उपलब्ध हो जैसे कि दिया, टॉर्च, फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाकर उनको सम्मान प्रदान करें जो हमारे लिए इस वक्त में लड़ रहे हैं। तो आइए इस पर जानते हैं हम जनता की राय। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे ही लोगों ने जनता कर्फ्यू का समर्थन किया तो वैसे ही वो रविवार को भी अपना समर्थन देंगे? बिल्कुल देंगे और देना चाहिए भी। नरेंद्र मोदी सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श लीडर बने पड़े हैं और युग पुरुष कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान जिस तरीके से कोरोना का जो थ्रेट है उसके अगेंस्ट फाइट कर रहा है, वो अपने आप में पूरे वर्ल्ड के लिए एक लीड कर रहा है, एक लीड एग्जाम्पल सेट कर रहा है, जो कि बहुत ही अनुकरणीय है, बहुत ही सराहनीय है। मुझे को नहीं, हमी को नहीं, पूरे विश्व को उनकी तरफ देखना चाहिए और आशा ही नहीं, पूरी तरह से उत्साह और उमंग के साथ उनके हर स्टेप का आगे बढ़ के स्वागत करना चाहिए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए लोकबात। धन्यवाद। जैसा कि प्रेरणा आनंद और वहाँ के लोगों ने ये बताया कि वो नरेंद्र मोदी के इस आह्वान में पूरे प्रकार से उनके साथ हैं। अब आइए आपको जोड़ता हूँ बिहार के मोतिहारी से, सुभी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बिहार के मोतिहारी जिले से सुभी हमारी लोकबात की संवाददाता हैं, वो जुड़ी हुई हैं। वो बताएंगी कि वहाँ के आम लोग नरेंद्र मोदी के इस आह्वान के बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या अपनी राय दे रहे हैं। मैं सुबह लोक बात में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बिहार के मोतिहारी में मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज सुबह प्रधानमंत्री जी ने जनता से जो अपील की है 5 अप्रैल को लेकर, तो आइए हम यहाँ की जनता से जानते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है 5 अप्रैल को लेकर। मैम, आपका नाम? सीमा जायसवाल। मैम, जैसा कि आप जानती हैं, आज सुबह प्रधानमंत्री जी ने जो जनता से आह्वान किया है 5 अप्रैल को लेकर, क्या आप उससे सहमत हैं? देखिए,
कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है, मैं उससे सहमत हूँ। हमें अपनी आपसी एकता का परिचय देना होगा। हमारे स्पिरिट की शक्ति के सामने दुनिया की कोई शक्ति नहीं टिक सकती है ना, और हमें अपनी सामूहिकता का दिव्यता दिखाना होगा। कहते हैं ना, इफ द इनविजिबल वायरस कैन स्केयर यू देन द इनविजिबल गॉड आल्सो हैव द पावर टू सेव, सो आई सपोर्ट यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। सुभी के साथ भी जुड़ लिए, वहाँ की बात भी सुन लिए। अब आप लोगों को जोड़ना चाहेंगे डिफेंस कॉलोनी भोपरा दिल्ली NCR से हमारी संवाददाता वंदना कश्यप के साथ, और उनको सुनेंगे कि वहाँ के लोग क्या इस नरेंद्र मोदी के इस आह्वान के कितने साथ हैं, कितने विपक्ष हैं। आइए उनको सुनते हैं। नमस्कार, मैं वंदना कश्यप आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल लोकबात में, जनता की बात जनता के साथ। मैं फिलहाल डिफेंस कॉलोनी भोपरा दिल्ली NCR में हूँ। जैसा कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी ने क्या अपील की है कि रविवार रात को 9:09 तक सभी देशवासी अपने घर के बाहर छत पर बालकनियों में दिए जलाकर खड़े रहेंगे। तो आइए हम जनता से पूछते हैं उनके इस बारे में क्या प्रतिक्रिया और क्या विचार है। अपने मोदी जी के साथ हैं और शाम को संडे वाले दिन मोमबत्ती कैंडल सब जलाएंगे और कमरे की लाइटें बंद करेंगे। हम इस मोदी से सहमत हैं। आपका नाम राशि, तो मैम आप बता सकते हैं कि जो हम रविवार को रात को 9 बजे दिया जलाकर खड़े रहेंगे, आप उसको किस प्रक्रिया से आप करेंगे? देखिए, मोदी जी ने जो कहा है उससे मैं बहुत ज़्यादा सहमत हूँ। इवन हमारे देश में ये हमारी एकता का परिचय है और कुछ भी नहीं। हम लोग अपनी एकता दिखाएंगे, सब लोग अपने घर की लाइट्स बंद करके अपने दरवाजे पे, इवन बालकनीज में या फिर छत पे सब लोग दिए जलाएं। इसके साथ साथ हमारी एकता का परिचय तो है ही, और अगर हमारी एकता सही होगी तो हम ये जो कह रहे हो कोरोना की महामारी से हमारा भारत जो इस टाइम घिरा हुआ है ना, और हर तरफ ये जो प्रॉब्लम्स चल रही है, तो इसकी बीमारी से बचने के लिए हमें अपनी एकता दिखानी है। प्लस हमारे साथ एक बच्ची मौजूद है कि उसका इस बारे में क्या विचार है। आपका नाम, तो आप बताएंगे रविवार को जो रात को 9 बजे में दिए जलाने आप कैसे करेंगे? हम अपने दरवाजे पे वो लगा के दिया मोमबत्ती लगाएंगे और अपने कमरे की लाइट। तो देखिए, आप इस बच्ची ने भी बताया कि कैसे हम कैसे। जैसा कि आप लोगों ने वंदना कश्यप जी के साथ के लोगों को भी सुना कि वो भी कितने नरेंद्र मोदी के आह्वान के साथ हैं। अब आपको जुड़ना चाहेंगे मध्य प्रदेश के चंबल से, वहाँ हमारे संवाददाता चंद्रकांत बोहरे जी हैं, वो बता रहे हैं, कुछ लोगों से राय ले रहे हैं। आइए उन्हें सुनते हैं कि वो नरेंद्र मोदी के इस आह्वान के कितने साथ हैं। नमस्कार, मैं हूँ चंद्रकांत। आज मैं मध्य प्रदेश के चंबल के बिहड़ इलाके से सीधा आपसे जुड़ रहा हूँ, और आज हम चंबल के कुछ बच्चों से, युवाओं से जानेंगे उनकी क्या लाइफ स्टाइल है लॉकडाउन के दौरान, और साथ ही साथ आज जो मोदी जी ने जो मैसेज कन्वे किया है उसको लेकर के उनकी क्या प्रक्रिया है। तो आइए सीधा उनसे मुखातिब होते हैं। आज मैं मध्य प्रदेश के चंबल रीजन भिंड से सीधा आपके साथ जुड़ रहा हूं, और हमारे साथ कुछ बच्चे हैं। हम उनसे जानेंगे कि लॉकडाउन के इस पीरियड में वो अपने आप को किस तरीके से रियलाइज फील कर रहे हैं, और वो उनकी लाइफ क्या है, और साथ ही साथ आज मैसेज मोदी जी ने जो मैसेज कन्वे किया है कि हमें जो है अपनी किस तरीके से अपने आप को जो है इस कोरोना के खिलाफ हमें तैयार होना है, इस कोरोना की लड़ाई को हम कैसे जीतेंगे, और रात के रविवार को जो है, आने वाले रविवार को जो है, हम एक बार फिर से जो है रात को जो है अपनी लाइट ऑफ करके दीपक मोमबत्तियां जलाएंगे और एक संदेश देशवासी फिर से कोरोना के विरुद्ध देंगे। तो सबसे पहले मैं प्रिया जी से जानना चाहूँगा, जो मोदी जी ने जो मैसेज हमें दिया है उसको आप कैसे लेती हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जैसा कि मोदी जी ने पहले भी हम लोगों को इस प्रकार संदेश दिया था, और हम लोगों ने अपने घरों में थालियां बजा करके, घंटियां बजा करके उन्होंने जो कहा था वैसा हम लोगों ने किया था। जैसा कि उन्होंने कहा है कि 5 अप्रैल को हम लोगों को ऐसा ही कुछ करना है, तो हम लोग अपने घरों पर लाइट बंद करके मोमबत्तियाँ जलाएँगे, टॉर्च जलाएँगे, और उन्होंने जो कहा है उस संदेश को हम लोग पूरा करें। मोदी जी की अकेले की लड़ाई नहीं कोरोना से, हम सब लोगों की लड़ाई है। हम सब लोगों का जो जीवन है वो अगर बचाना है तो हम लोगों को इस तरीके का करना चाहिए। हमारे साथ दूसरे नन्हे मुन्ने सिपाही देश के राही,
आप अपनी लाइफ किस तरीके से स्पेंड कर रहे हो बेटा, आप जो है कोरोना के टाइम में किस तरीके से अपनी दिनचर्या, अपनी लाइफ स्टाइल है आपकी, बताइए कुछ। अपने घर में लूडो कैरम बोर्ड खेल कर आदि फोन चला के अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, और अपने दादा परदादा की कहानी सुन रहा हूँ अपनी मम्मी से, और अपने पुरानी एल्बम और फोटो देख रहे हैं, और आदि अपने मम्मी के कार्य में सहयोग कर रहे हैं। और भिंड में हमारे साथ कुछ युवा हैं, उन युवा से हम जानने की कोशिश करते हैं कि लॉकडाउन के दौरान उनकी कैसी दिनचर्या है, और साथ ही साथ आज जो मोदी जी ने जो मैसेज दिया है देशवासियों को, उसको लेकर के उनका क्या रिएक्शन। नमस्कार। मैं गौरव नारलिया जी सर, मैं भिंड जिले से हूँ, और मेरी मुलाकात अभी चंद्रकांत बहुरी जी से हुई, और मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है। उनका कहना है कि लोग घर पे रहें और सुरक्षित रहें, लेकिन लोग बाग अभी भी कुछ ऐसे हैं अपने भिंड जिले में भी कि वो बिल्कुल भी उस बात का उल्लंघन कर रहे हैं, हर चीज से उल्लंघन कर रहे हैं। वो मान ही नहीं रहे, वो इस बात को मजाक में ले रहे हैं कि कोई बीमारी नहीं है, और ये जब उनको खुद को होगी बीमारी तब वो ऐसे लोगों को पता पड़ता है। आप किस तरीके से उसको ले रहे हैं? मैं तो हर चीज, मैं तो घर में रहकर भी घर में आराम से लोगों बागों से बात करके, सब तो अपने टीवी देख के, मतलब ज्यादातर टाइम लोगों को अपने घर पे ही देना चाहिए, बाहर नहीं निकलना। मतलब मोदी जी ने जो 5 तारीख को जो मैसेज दिया है उसको आप किस तरीके से फॉलो करेंगे? मैंने पिछली बार भी मोदी जी ने जो मैसेज किया था कि घर पे आके छत पे 5 बजे ताली बजाओ या थाली बजाओ को भी, मैंने उसका भी आह्वान किया, मैं इसका भी आह्वान करूंगा, रात को 9 बजे सभी लोग। मतलब जो मोदी जी ने जो स्टेप लिया है वो हम सब के लिए है, देशवासियों के लिए है, आप उसके साथ हैं? हाँ, मोदी जी ने जो भी मैं वो लिया है मैं उसके साथ हूँ, और सभी लोगों को ये चीज करना चाहिए। आप देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं देशवासियों, मोदी जी कह रहे हैं ये वो अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए ही कह रहे हैं, मोदी जी अपने स्वयं के लिए नहीं कह रहे ये चीज। अब आपको ये बताना चाहूंगा, गोरखपुर से हमारे संवाददाता प्रखर त्रिपाठी एक बच्चे से बात कर रहे हैं, बच्चे की क्या दिनचर्या है, बच्चे के जीवन पर क्या असर पड़ा है, उसको लेकर के प्रखर लोगों की रिपोर्ट ले रहे हैं, तो आइए उनसे जुड़ते हैं। नमस्कार, मैं प्रखर त्रिपाठी लोक बात में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं गोरखपुर में हूँ, और जैसा कि आपको पता ही होगा देश में पिछले कुछ दिनों से लॉकडाउन की स्थिति बनी है, कोरोना से पूरा देश आतंकित है, देश नहीं बल्कि पूरा विश्व ही आतंकित है, और आगामी 14 तारीख तक देश भर में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। इस बीच लॉकडाउन में लोगों को घर से बाहर निकलने की मनाही है तब तक जब तक अति आवश्यक काम ना हो। पुलिस कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, सभी लोग लगे हुए हैं ताकि इस कोरोना के से जंग जीती जाए, इसे हराया जाए। घरों में बैठे बैठे लोग कई दिनों से ना निकल पाने की वजह से बोर हो रहे हैं, और भी बहुत सारी, और मौसम भी कुछ ऐसा ही है कि बहुत ही आकर्षक नहीं लग रहा है। जब चारों तरफ आपके मौतें हो रही हों, महामारी हो, तो आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। देश काफ़ी डरा हुआ है, और इस बीच हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों एक अपील की लोगों से कि शाम 5 बजे वो अपने यहाँ शंख बजाएं, थाली बजाएं, घंटी बजाएं, जो भी, इससे एक एकजुटता का प्रदर्शन होता है और लोगों की जो है मनोबल लोगों का बढ़ता है, और बढ़ा भी, क्योंकि इस अपील का काफ़ी व्यापक असर हुआ और लोगों ने पूरे जोर शोर से, पूरे उत्साह के साथ थालियाँ पेटी, टिन के डब्बे बजाए। तो आज इस बोरियत भरे मौसम की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही जन संबोधन से हुई। श्री नरेंद्र मोदी जी ने सुबह 9 बजे आज देश के नाम जन संबोधित किया, उसमें उन्होंने देश के लोगों से ये अपील की कि सभी देशवासी आगामी 5 अप्रैल को रविवार को रात 9:09 के लिए अपने घरों के बाहर यानी कि दरवाजों पर, बालकनी में दिया जलाएं, मोमबत्तियाँ जलाएँ, नहीं ये ना उपलब्ध हो तो फ्लैश लाइट जलाएं फोन की, और जला के एक ऐसी सर्वत्र चहुंओर ऐसा प्रकाश आलोकित करें ताकि जिससे कि ये नकारात्मकता, कोरोना की इसकी अंधकार, नकारात्मकता का अंधकार छट जाए और एक आशा की, उम्मीद की किरण चहुंओर फैले। आज इस पर मैं सोच ही रहा था कि मेरे जहन में ये सवाल आया कि बूढ़े बुजुर्ग और समझदार लोग, बड़े लोग, तो इस
महामारी से, इसकी गंभीरता से काफ़ी परिचित हैं, मगर उन बच्चों का क्या जिन्हें एक दिन खेलने से रोक दिया गया, एक दिन उन्हें स्कूल जाने से मना कर दिया गया, पिछले कुछ दिनों से घर पे बच्चे हैं, क्या वो बाल मन क्या समझ पा रहा होगा कि ये क्या है, इसकी गंभीरता क्या है, क्या समस्याएँ हैं इसकी और क्या है ये कोरोना। तो यही सब जानने के लिए इन इस लॉकडाउन का, कोरोना का और इस अपील का बाल मन पे क्या प्रभाव पड़ा है, बच्चे इसे किस रूप में ले रहे हैं, क्या वो समझ रहे हैं इस लॉकडाउन से, मैंने आज एक बच्चे से बात करना चाहा है। आइए हम बात करते हैं एक ऐसे ही छोटे से बच्चे से। आपका क्या नाम है बेटा? प्रियांशी त्रिपाठी। प्रियांशी, किस क्लास में पढ़ते हो आप? चतुर्थ। चतुर्थ में, अच्छा ये बताओ बेटा, कोरोना सुना है आपने? क्या है कोरोना? कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो छींकने, खांसने व छूने से फैलती है। अच्छा, छींकने, खांसने व छूने से फैलती है। अच्छा बेटा ये बताओ कि इससे हम बचने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं? लॉकडाउन किया है। लॉकडाउन किया है, क्या होता है लॉकडाउन? लॉकडाउन में हमें घर से बाहर नहीं निकलना है। घर से बाहर नहीं निकलना है, अच्छा तो आप घर से बाहर नहीं निकल रहे आजकल, कितने दिनों से नहीं निकल रहे हैं? 9 दिनों से। 9 दिनों से नहीं निकल रहे, अच्छा तो ये बताइए कि फिर क्या दिक्कतें हो रही हैं आपको? सरकार, पिछली बार सरकार ने कहा था कि पानी की सप्लाइयाँ होंगी, पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। अच्छा। गैस की सप्लाइयाँ होंगी, गैस की सप्लाइयाँ नहीं हो रही है। सब्जी घर घर पे आएंगे, नहीं आ रही है। सब्जी घर पे नहीं आ रही, तो क्या खा रही हैं आप? जैसे कि सरकार ने कट कीजिए तो। हाँ, क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? घर घर राशन नहीं पहुँचाए जा रहे हैं और भी कई समस्याएँ हैं। जैसे? जैसे गैस नहीं हो आ रहे हैं घर घर। अच्छा। राशन नहीं आ रहा। आपको क्या समस्या हो रही है? राशन, चलिए आप सब्जी तो लाते हैं, जाती नहीं होंगी, कौन जाता है सब्जी लाने? पापा। राशन कौन लाता है घर पे? पापा। पापा लाते, तो आपको कैसे पता कि राशन नहीं आ रहा है? वो पापा बताए। पापा बताए, अच्छा तो अच्छा आपको क्या दिक्कत हुई? पापा की बात छोड़िए, आप अपनी बात बताइए, आपको क्या समस्या हुई कोरोना लॉकडाउन से? एक है, खेलना बंद हो गया है। हाँ। घर से बाहर निकलना बंद हो गया है, स्कूल बंद हो गए हैं, स्कूल बंद हो गए, कोचिंग बंद हो गए। अच्छा अब तो आप बाहर भी नहीं जा पाते होगे, तो अच्छा दुकान नहीं जाते आजकल, क्यों खाने का मन नहीं करता कुछ? मन तो करता है लेकिन दुकान जाना मना है। अच्छा दुकान जाना मना है, क्यों लोग बोलते हैं घर पे? घर से निकलना ही नहीं है बाहर। घर से निकलना नहीं है, अच्छा तो कब तक रहेगा कुछ पता है आपको? हाँ 14 तारीख तक। 14 तारीख तक, अच्छा अच्छा आज मोदी जी ने कुछ कहा कुछ? हाँ। क्या कहा? मोदी जी ने कहा है कि इस 5 अप्रैल रविवार को 9 बजे शाम को घर की सारी लाइट बंद करके मोबाइल के टॉर्च, बैटरी, दिया आदि कोई भी चीजें वस्तु जलाने जला कर बालकनी में रखना है। अच्छा बालकनी में रखना है, अच्छा के लिए। तो अच्छा अच्छा ये बताइए दिया और भी कभी जलाया जाता है? हाँ। कब जलाया जाता दिवाली है? दिवाली पे। दिवाली पे, अच्छा तो दिवाली पे, तो ये भी तो दिवाली ही हुई फिर तो, एक तरह से दिवाली ही हुई। अब आइए आप लोगों को सीधे आगरा से जोड़ते हैं, जहाँ से हमारी संवाददाता श्रद्धा वर्मा जुड़ रही है। श्रद्धा वर्मा क्या बता रही है, वहाँ के लोगों की क्या राय है, वो जानते हैं श्रद्धा वर्मा से। नमस्कार, मैं श्रद्धा वर्मा लोकबात से। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से मोदी जी के आह्वान पर जो दिए जलाने की बात उन्होंने कही है, जो एक यूनिटी की बात, एक रोशनी की बात मोदी जी करते हैं, उस पर लोगों की क्या राय है। हम आपको सीधे आगरा के निवासियों से यहाँ बातचीत कराने जा रहे हैं, तो जुड़िए हमारे साथ। हमारे साथ योगेश जी भी मौजूद है, तो इनसे भी जान लेते हैं कि इस बात पर इनकी क्या राय है। तो श्रद्धा जी, पहले तो नमस्कार सबके लिए, आपके लिए और सबके लिए जो भी हमें सुनना है। इसके अलावा आप तो उसे मोदी जी ने जो पहल करी है उसके लिए क्या क्या अच्छाई है, क्या बुराई है? बुराइयां तो पता है, लेकिन मोदी जी बोल रहे हैं कि दीपक जलाने चाहिए, लाइट जलानी चाहिए, घी के दीपक या तेल के दीपक, ये युगों युगों से चली आ रही है हमारे प्रति कि देखिए अब राम जी आए थे तब भी दीपक जलाए गए थे, इससे शुभ संकेत सुनाई देता है। यूनिटी कितनी एकत्रता है हम देश में, ये भी पता पड़ता है, तो इससे एक अच्छाइयां नजर आती हैं तो बुराइयां खत्म होती हैं। वैसे ही कोरोना है, जब अच्छाइयां हमारी आगे आएंगी तो बुराइयां तो अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो मोदी जी बहुत अच्छे पहले इस समय स्वागत करते हैं। लेकिन जैसा कि हमारे दर्शकों का या फिर और भी अन्य आलोचकों का मानना है कि जब मोदी जी ने आज वीडियो जारी किया तो उनको इस पर चर्चा करनी चाहिए थी कि हमारे यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं अभी किस प्रकार की हैं,
क्या क्या और उपचार हम कर सकते हैं कोरोना के लिए, लेकिन इसके अलावा उन्होंने ये बोला कि किस तरीके से हमें परसों 9 बजे दीपक जलाने हैं 9 मिनट के लिए, लाइट जलानी है 9 मिनट के लिए। तो क्या एक इसमें एक निराशा की दृष्टि लोगों की नहीं उठेगी मोदी जी की तरफ? सरदा जी वो देश के प्रधानमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, तो वो जो सोच रहा है ना उसकी सोच ही एक अलग है। और देश में 130 करोड़ जनता है, उसके अलग अलग व्यू है, कौन किस व्यू से देख रहा है इस पॉइंट को, वो उसका व्यू है। अब हमारी पूछे आप हमसे पूछे कि आप किस व्यू से देख रहे हैं, तो हम तो ये देख रहे हैं कि इस टाइम पे मोदी जी ने अपनी स्वास्थ्य की सारी सेवाएं जितनी अच्छी से अच्छी बेहतर दे सकते हैं वो सारी लगा चुके हैं, तो वो खुद ही इतना प्रयास कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो। और उसमें हम आपसे ये कहेंगे इसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो एक मुकाबला हुआ ऐसा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आगरा से व्यापारी बलराम गुप्ता, और उनसे हम जानेंगे कि जो हमारे मोदी जी ने पहल करी है कि 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट तक किसी भी प्रकार की रोशनी की जाए फ्लैश लाइट के जरिए या फिर मोमबत्ती के जरिए या फिर एक दीपक जलाकर, तो वो पहल कितनी सार्थक हमारे समाज में है और इस बारे में इनकी क्या राय है? जो हमारे प्रधानमंत्री जी 5 अप्रैल रात के 9 बजे, क्योंकि 9 का आंकड़ा होता है मंगल का, ज्योतिष की दृष्टि से अगर इसको देखा जाए तो ये बहुत अच्छी सार्थक पहल है, क्योंकि मंगल को हमें मजबूत करना है और दीपक की ज्योति और मंत्रों की ध्वनि, इससे हमें अपने वातावरण को और अपने आप को इस महामारी से लड़ने के लिए एक ऊर्जा की प्राप्ति होगी और साथ ही पूरे देश की एकता और कोरोना से डर को भगाने के लिए ये बहुत अपने आप में सार्थक पहल साबित होगी। अब आखिरी में आप लोगों की मुलाकात गोरखपुर का हाल जानते हैं, जहां से हमारे संवाददाता प्रखर त्रिपाठी जुड़े। नमस्कार, मैं प्रखर लोकबात में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं गोरखपुर में हूं। ऐसा कि आप सभी परिचित होंगे इस बात से कि आज सुबह हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सुबह 9 बजे देश के नाम एक संबोधन किया, जिसमें उन्होंने देशवासियों से यह अपील की कि वे लोग रविवार 5 अप्रैल दिन रविवार की रात 9 बजे 9 मिनट के लिए अपने अपने घरों के बाहर दरवाजों पर या बालकनी में दिए मोमबत्तियाँ या मोबाइल की फ्लैश लाइट आदि जलाकर आपसी अखंडता का परिचय दिया। साथ ही उन्होंने देशवासियों का आभार भी व्यक्त किया इस मुश्किल घड़ी में अपने सामंजस्य को और आपसी सौहार्द को दिखाने के लिए। हम इस मोदी जी की अपील का, हमारे प्रधानमंत्री की अपील का लोगों में क्या उसको लेकर क्या राय सुनारी है, ये जानने के लिए हम बात करते हैं एक आम आदमी से। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम सर? संतोष कुमार जी। आप कहाँ से हैं सर? सर यूपी से हैं, अयोध्या जी। सर ये बताइए कि मोदी जी ने आज सुबह देश के नाम एक संबोधन किया, उसमें उन्होंने कुछ अपील की देशवासियों से, तो उससे आपको क्या लगता है कि इस संकट की घड़ी में क्या बदलाव आ सकते हैं, क्या मतलब उससे क्या सांत्वना मिल सकती है देशवासियों को, क्या राहत मिल सकती है कुछ उस मोदी जी ने बताया? जहाँ तक सर मेरा मानना है कि इससे तो देश की एकता अखंडता का पता चलेगा, क्योंकि हम लोग कोरोना महामारी बीमारी से जो है मतलब कि वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान है। सब लोग एक साथ में अगर जो है लाइट बंद करेंगे, इस तरीके से दिए जलाएंगे जो है, तो सारे लोग देशवासी एक साथ हैं, ये भी पता चलेगा, एकता अखंडता का पता चलेगा। दूसरा नंबर, इस भयानक बीमारी से जो है निपटने के लिए पूरे भारतवासी एक साथ हैं, ये संदेश बहुत बड़ा पूरे देश को जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पूरे देश से लोग नरेंद्र मोदी के इस आह्वान के साथ हैं, तो शायद रात के 9 बजे आप सभी से लोग बात का भी गुहार है कि जैसा प्रधानमंत्री ने कहा उसे बिल्कुल पालन करें, चूँकि देश के जनता भी उनके साथ है और एक ना एक जो है पॉजिटिव एनर्जी निकल के सामने आएगी जो कि नकारात्मक ऊर्जा से लड़ेगी, उसे दूर भगाएगी। तो आइए सब मिल करके अपने अपने घर के लाइट्स को ऑफ करेंगे और नेचुरल लाइट्स का प्रयोग करेंगे, जैसे कि लैंप का, दिए का। तो आप यूँ ही लोग बात को देखते रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करते रहें, और ये वीडियो आपको कैसा लगे ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।